आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मादी अली मुरिजवान की निशानियां वाज़े निशानियां बयान फरमाई, उनमें से कोई एक इनमें पाई जाती है? एक भी नहीं पाई जाती। उनमें से कोई एक इनमें पाई जाती है? एक भी नहीं पाई जाती। हयात मुश्तरक रिवायत सब में जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मादी अली मुरिजवान का नाम लिया, तो क्या नाम लिया? मोहम्मद नाम लिया। मोहम्मद नाम लिया। और इनका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। तो पहली बात ये, इससे भी पता चला कि ये इमाम महदी बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अच्छा मोहम्मद नाम बोलकर तुम लोग बोल लो कि मोहम्मद कासिम, और फिर बोल रहे मोहम्मद नाम नहीं है कासिम है। और जहां तक नाम पे आ गए मोहम्मद या अहमद, इन्होंने नाम बताया। देखिए अरबी में जो वर्ड आता है युवात को इस्म को इस्म, महदी का नाम मेरे नाम से मुशाबहत करता होगा। और ये तर्जुमा हम नहीं कर रहे हैं, शेख खालिद अल मगरिबी, शेख सलाहुद्दीन बिन इब्राहिम, इनका वीडियो मौजूद है द रियल नेम ऑफ महदी के नाम से, देख लीजिएगा। लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना हदीस मुबारक की, वो अरब उलमा ने बहुत अच्छी फरमाई है। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम ही नहीं हो सकता, क्योंकि बात हदीस के खिलाफ जाती है। इसी तरह वालिद के नाम पे भी है, अब्दुल करीम अब्दुल्ला, दोनों में कोई फर्क नहीं है, नाम से मुशाबहत रखता है। अरब उलमा ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने फरमाया अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम होता है इमाम महदी का, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त फरमा देते।